हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेगा न्यूरॉन ओडी प्लस कैप्सूल के बारे में, जो कि कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है। इस कैप्सूल को जैसे कि नसों को ताकत देता है, नसों की कमजोरी दूर करता है, और भी कई सारे फायदे हैं इस कैप्सूल के, जो कि आगे बात करेंगे हम। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये मेगा न्यूरॉन ओडी प्लस कैप्सूल जो कि एरेस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है, और इसके प्राइस की बात करें तो 129 रुपए है, जो कि एक स्टीम में 10 कैप्सूल अवेलेबल है। दोस्तों ये कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहां देखते हैं मिथाइल कोबालामिन, अल्फा निपोइक एसिड एंड विटामिन, और इधर को देखते हैं मिथाइल कोबालामिन 1500 एमसीजी, पाइरिडॉक्सिन विटामिन B6 5 mg, बेन-40-अमाइन 50 mg, अल्फा लिपोइक एसिड 200 mg, फोलिक एसिड 5 mg, बायोटीन 5 mg अवेलेबल है। दोस्तों मेगा न्यूरॉन ओडी प्लस कैप्सूल जो कि सबसे बढ़िया कैप्सूल है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस कैप्सूल को। नंबर 1, ये कैप्सूल नसों की कमजोरी दूर करता है, नसों में ताकत लाता है, तो नसों में किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो उसमें यूज कर सकते हैं। नंबर 2, साइटेका में, अब बात करते हैं साइटेका होता क्या है। कई बार हमारे पैर में सूनपन पड़ जाती है, चुभन सा लगता है, ऐसा होता है साइटेका में, तो इन प्रॉब्लम में भी यूज कर सकते हैं इस कैप्सूल को। नंबर 3, RBC को इंक्रीज करता है और ये आपको एनीमिया से भी बचाता है, खून की कमी होने से बचाता है ये कैप्सूल। नंबर 4, नर्वस सिस्टम के लिए भी काफी फायदेमंद है। नंबर 5, मांसपेशियों में खिंचाव होना, दर्द होना, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 6, गठिया के प्रॉब्लम हो। नंबर 7, न्यूट्रिशन की कमी हो, तो उसको भी पूरा करता है कैप्सूल। नंबर 8, विटामिन की कमी हो। तो दोस्तों इस कैप्सूल के इतने सारे फायदे हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस कैप्सूल को। चलिए हम बात करते हैं इसको डोज के बारे में, कैसे करें इस कैप्सूल को। तो दोस्तों इस कैप्सूल को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के कंडीशन में देखकर डोज फिक्स करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडल्ट को एक कैप्सूल लेना है, दिन में एक बार, किसी भी टाइम ले सकते हैं खाना खाने के बाद, बट आप इसको एक निर्धारित समय पे लीजिए। जैसे कि आज 12 बजे ले रहे हैं तो कल भी 12 बजे ही लीजिए, तो आप इस तरह ले सकते हैं। बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज को घटाते भी है, बढ़ाते भी है। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये कैप्सूल आप यूज कर रहे थे, बातें ध्यान रखें। नंबर 1, अगर आपके पहले से कोई मेडिसिन चल रही है तो इस कैप्सूल को यूज करने से पहले पूरी हिस्ट्री बताएं डॉक्टर को। नंबर 2, प्रेगनेंसी के दौरान यूज ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर 3, बार दफा आप अल्कोहल लेते हैं तो यूज ना करें इस कैप्सूल को। नंबर 4, यूज करने पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें इस कैप्सूल के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं इस कैप्सूल को कब तक लेना है। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपको कितनी प्रॉब्लम है, कितनी समस्या है। आप इसको 3 से 6 महीने तक ले सकते हैं, बट डॉक्टर से एडवाइस भी जरूर लीजिए। और रिजल्ट की बात करें तो आपको रिजल्ट 1 महीने बाद ही दिख जाएगी। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस कैप्सूल का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर बाय द वे यूज करते वक्त कुछ भी दिखे तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस कैप्सूल को यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज हमारी वीडियो मेगा न्यूरॉन ओडी प्लस कैप्सूल के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया कैप्सूल है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।